मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था, एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहि सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उसमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं दीन करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, अपने तू आया नहीं मजहब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरा सवाल यह है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरे दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलिम हो, कुछ भी चीज हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मोहल्ले में लोग दम मारते हैं, ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है। मैं सबका सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मतलब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाइत कबूल की, पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनु इन नंबर खमरु अल मैसुरु वल अनजाबु अल अज़लामु रिश्तु मिन शैतान फस्तनिबु लकुम तुफ्लिहून, के कहो ईमान वालों से, इन नंबर खमरु अल मैसुरु, के मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से के नशा, नशे वाली चीज, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीजें हराम है। रुचि शैतान, ये शैतान की चीजें है, फर्स्ट नहीं बोल रहा हूं, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज, इन नमल खमरो मैसूर, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहां तक के नशे की चीज है, कोई भी नशे की चीज, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम नशा है? सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट रहेगा, सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहां तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा ब्रांडी ये आता है खमर के अंदर हराम में। जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उल्मा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है,
इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है तो मकरू है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से जो स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन, आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मोहरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ अ डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने का पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग टबैको, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप मैं तकरीर सुन सकते, डायट्री लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के, जो कहते हैं कि सिगरेट पीना इज स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।